कैसे भी थे कुछ भी थे, अपने जनता के लिए उन्होंने काम किया था, वो चीज़ सामने आ रही थी। और हमें कहीं ना कहीं उसको समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं हमको उसको झेलना पड़ा, पब्लिक को हमको समझाना पड़ा। लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना चाहिए, आपको निर्दलीय लड़ना चाहिए, हम लोग आपको जिताते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसमें इसको रेस किया है, लोगों का ये दुख ये था एक कहना, तो हम लोगों ने उसको अपना डेवलपमेंट पे ले गए, विकास पे ले गए, बुनियादी चीज़ों पे ले गए, उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से जनता के बीच में रखा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में और वो भी प्रयागराज की सीटों में सबसे ज़्यादा सीट गर्म रही तो 44 नंबर वार्ड। दरअसल इस 44 नंबर वार्ड में बबुली अतीक अहमद अथरा पर उनका पूरा परिवार रहता था और उसी वार्ड से जहां आ रहा है, जो वार्ड नंबर 44 से जीत हासिल किया है। आखिरकार हम उनसे समझेंगे किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत का श्रेय किसको देती हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव आपने लड़ा था? विकास पर। क्या कहेंगी, जीत का श्रेय किनको देती है? अपनी जनता को देते हैं, क्षेत्रीय लोगों को देते हैं। क्या लगता है आपके इलाके में ऐसी कौन सी ऐसी जटिल समस्या है जिसे अब आप दूर करेंगे? अब तो अभी सभी चल रही, कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है, जो बचा है उसके लिए। अच्छा, इस बार चुनाव में महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल किया है, क्या लगता है महिलाएं इस बार चुनाव में ज़्यादा है उम्मीदवारी और पक्का है महिलाओं का महत्व तो बढ़ रहा है? हाँ, महत्व तो बढ़ ही रहा है तभी तो। एक सवाल ये आपसे कि ये सीट बड़ी गर्म रही है दरअसल अतीक अहमद के नाम से, क्योंकि बबुली अतीक अहमद उसी सीट पर रहते थे, उस वहाँ पर चुनावी माहौल किस तरह था और कितना कॉपरेट आपको मिला? चुनाव में माहौल तो ठीक था, पूरा माहौल ठीक था। क्या कहेंगे, आपके पति भी 5 बार के रहे हैं और पति का पूरा साथ मिला है जी, कितना कामयाब रही जीत में आप लगता है? पूरे कामयाब है, तो पूरा कामयाब रही है। क्या लगता है सर, 44 नंबर वार्ड बहुत गर्म था, 5 बार के पार्षद रहे हैं वहाँ के और अतीक अहमद की वजह से बड़ा गर्म रहा, क्या लगता है माहौल के बाद अब किस तरह का माहौल? माहौल ठीक है, माहौल थोड़ा गमगीन था, लोग जो है अंदर दुख था, लोगों के अंदर अफसोस थे, लोगों के अंदर, चूँकि इसी तरीके का हादसा हो गया था। कैसे भी थे कुछ भी थे, अपने जनता के लिए उन्होंने काम किया था, वो चीज़ सामने आ रही थी। और हमें कहीं ना कहीं उसको समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं हमको उसको झेलना पड़ा, पब्लिक को हमको समझाना पड़ा कि हमने आपको विकास किया, आपका काम करेंगे, ये टोटल बुनियादी चीज़ें। वैसे सरकार ना बदलेगी ना सरकार दूसरी बनेगी, इसलिए हम बुनियादी चीज़ों पर हैं। आपके हम लोगों ने काम किया आपके बीच में, 5 साल 25-22 साल से आपके बीच में हम हैं, इसलिए हमें मौका दीजिए, सारी नाराजगी जो है ख़त्म करिए, चूँकि बड़ा मामला है इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। मतलब आप क्या लगता है, अतीक अहमद बहुत दिन से वहाँ सांसद विधायक भी रहे हैं, विकास के काम क्या हुए थे उस समय कि अब हो रहे हैं? नहीं, विकास काम उस वक्त भी हुए थे, विकास काम आज उसके बाद हम कच्चू भी कंटिन्यू, हम लोग जो पार्षद थे 2000 से कंटिन्यू पार्षद हैं 2000 से, तो जो काम है बुनियादी जो सब नगर निगम से होना है हम ही लोग कराते हैं, 15 साल से वो किसी पद पर थे नहीं। हाँ, बस ये है कि हमारा जनता का सहयोग रहा, हमारे जो मेयर भी थी और जो भी अधिकारी थे उनका सहयोग था, जिससे हम पब्लिक के जनहित में काम कराने में सक्षम हुए और उसमें काफ़ी जनता का हमारे उसमें काफ़ी हमें सुविधाएं दी हम लोगों ने, जनता ने हमारे। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल है, इस बार जब बबुली अतीक अहमद और अशरफ का हत्या हुई उसको लेकर समाजवादी पार्टी में बड़ा विरोधाभास था, लेकिन क्या आपको भी इस विरोधाभास का? जी, हमें भी झेलना पड़ा, लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना चाहिए, आपको निर्दलीय लड़ना चाहिए, हम लोग आपको जिताते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसमें इसको रेस किया है, लोगों का ये दुख ये था एक कहना, तो हम लोगों ने उसको अपना डेवलपमेंट पे ले गए, विकास पे ले गए, बुनियादी चीज़ों पे ले गए, उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से जनता के बीच में रखा। जनता हमारे 5 साल जिस तरह हमने काम किया खरी उतरी है, हमें सपोर्ट किया, आगे भी जो काम छूटा हुआ उनका इंशाल्लाह पूरा काम करने की कोशिश करेंगे मिलकर हम लोग पूरा काम। जी, ये थे मोहम्मद आजम साहब जो 5 बार के पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 44 का है। 44 नंबर वार्ड वो वार्ड है जो बबुली अतीक अहमद अशरफ और उनका पूरा परिवार इसी वार्ड में रहा करते थे और अब उसी वार्ड में जहां आ रहा जो महिला प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने जीत हासिल किया है क्योंकि इनके पति 5 बार के वहाँ के पार्षद रहे हैं, लिहाजा उन्होंने काम किया है। लेकिन इनका कहना है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का असर हमारे सीट पर भी पड़ा था और मुस्लिम वोटरों का काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर समाजवादी पार्टी का विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद मामले में कोई बड़ी बातें नहीं कही, अलबत्ता उनके विपक्ष में हमेशा बैठे रहे, जिसका खामियाजा इस चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। आनंद राज, UP तक, प्रयागराज।